पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते बैंकों को करोड़ों का नुकसान हुआ। बैंक कर्मचारी मांगों को लेकर गुरुवार को कचहरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा पर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारी मांगों को लेकर गुरुवार को कचहरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा पर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर हुई सभा में UFBU के संयोजक संजय रस्तोगी ने कहा कि एक दिन की हड़ताल से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। अगर सरकार ने उनकी जायज मांगों को नहीं माना तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात रखी। प्रदर्शन करने वालों में एन टंडन, जगजीत सिंह, जेपी सरन अध्यक्ष, नवनीत कुमार जिला सचिव, प्रताप सिंह, नवनीत राजवंशी, अनूप शर्मा, करण सिंह, विजय सिंह, मनोज शर्मा, आशु चौधरी, सत्यवीर सिंह, महमूद हुसैन, KS चौहान, कमलेश रस्तोगी, वेद प्रकाश, मनोज टंडन, अनिमेश शर्मा, NB सिंह, पीताम्बर लाल, देवेंद्र, सविता सिंह, बुलबुल, प्रियंका, आयुषी, रूबी सिंह, अर्चना अग्रवाल, ऋचा सिंह आदि मौजूद रहे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 ये भी जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भारत सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, हाय हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, ये वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, ये कल पूरा देशव्यापी हड़ताल थी। कहीं भी क्लियरिंग हाउस नहीं लगा है, कहीं कोई बिजनेस नहीं हुआ है, किसी भी बैंक में कोई काम काज नहीं हुआ है और आज भी ऐसा ही रहेगा। कोई क्लियरिंग हाउस नहीं लगा है, कहीं कोई काम नहीं होना है और सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, हम इसलिए दो दिन की हड़ताल पर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।